पिच रिपोर्ट देखते हैं, सैटन पार्क हैमिल्टन का मैदान है, खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं। इस वेन्यू के ऊपर 22 दिसंबर को लास्ट टाइम मैच हुआ था, नॉर्दर्न ब्रेव वर्सेस सेंट्रल हाइंट्स का मैच था। क्या हुआ था इस क्लैश के अंदर, आप देखो, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है 119 बनाती है 6 विकेट गवा के, फिर जो टीम चेस करने आई वो 19.3 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है, 3 बॉल रहते। फिर इससे पहले बारिश आई, 5 ओवर का मैच हुआ, 39 का टारगेट दिया, जो टीम चेस करने आती है वो 1 बॉल रहते टारगेट चेस कर जाती है, 175 बना, ये बना दिया था वेलिंगटन ब्लेज ने, वही एकमात्र ऐसी टीम है टूर्नामेंट के अंदर जो ऐसे स्कोर बना सकती है। और जो टीम चेस करने आती है नॉर्दर्न ब्रेव होम टीम 100 रन पे सिमट जाती है, 142 बना टीम 94 पे रुक गई, 154 बना टीम 93 पे रुक गई। तो यहाँ पे नॉर्दर्न ब्रेव का जो होम ग्राउंड है ना, इनका होम ग्राउंड है नॉर्दर्न ब्रेव का, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत खराब है, 16 में से मात्र 2 मैचेस जीते हैं और 14 मैचेस हारी है टीम। ओटागो स्पार्क्स यहाँ पे 2 मैचेस खेल के 1 जीती 1 हारी है। बैटिंग फर्स्ट 3 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए इस वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस जीते गए आउट ऑफ लास्ट 9 गेम्स। प्रति ओवर यहाँ पे 6.7 के आसपास रन बनते हैं, एकदम हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है कि यहाँ पे 170-180 बन रहा हो, एक एवरेज स्कोर इस वेन्यू पे देखा जाता है 140-150 के आसपास। जो लास्ट मैच था उस मैच में 4 विकेट पेसर ने निकाला और 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाला था जो 22 दिसंबर को खेला गया था। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 9 गेम्स के अंदर पेसर्स को 37 विकेट मिला है, पहली पारी में 17, दूसरी पारी के अंदर 20। राइट आर्म पेसर 36, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 1 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 42 विकेट्स है, पहली पारी में 22, दूसरी पारी के अंदर 20। ऑफ स्पिनर्स का 23, लेग स्पिनर्स का 9, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है। तो ट्रेडिशनली इस वेन्यू पे देखा गया जो स्पिनर्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है, सैटन पार्क हो गया, बे ओवल हो गया, ये दो ऐसे वेन्यू जो नॉर्दर्न ब्रेव के होम ग्राउंड है, यहाँ पे स्पिन होती है गेम। पिच देख सकते हैं आप, जब लास्ट टाइम यहाँ पे मैच हुआ था 22 तारीख को, तब पिच यहाँ पर इस तरह से थी, ये देखो आप, इस तरह से पिचेस यहाँ पे रहती है, स्टेडियम का व्यू आता है, इतनी सारी यहाँ पे पिचेस है। बाउंस की बात करते हैं, सैटन पार्क हैमिल्टन पे इतना पेस नहीं जितना विलिंगटन पे देखते हैं, ओटागो में देखते हैं, ऑकलैंड में देखते हैं, उससे कम इस वेन्यू पे बाउंस होता है और थोड़ा सा पेस भी कम रहता है, इसलिए बैटर्स को मज़ा भी आता है खेलने में। टू पेस्ट विकेट नहीं है और सामने की बाउंड्री 70 मीटर होती है, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 60 मीटर की देखने को मिलेगी। स्टेडियम का व्यू है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है ये। स्पेशल पिच रिपोर्ट फ्रॉम सैटन पार्क, कैसी लगी कमेंट करके मेरे को बताना।